यूपी के रायबरेली से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि कुछ छह छात्रों को बरेली के फरीदपुर में ऐसी सजा दी गई कि जिससे आपको भी लगेगा कि ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं हुई। खबर ये है दोस्तों कि बिना नहाए कॉलेज पहुंचे बच्चे तो आग बबूला हुआ प्रिंसिपल, कपड़े उतरवा कर टंकी में लगवाई डुबकी। जी हाँ दोस्तों, इंटर कॉलेज के ये बच्चे हैं जो कि फरीदपुर में हैं, और आप ये तस्वीर सामने देख सकते हैं कि इन्हें एक ट्यूबवेल में नहवाया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा। गलती बस इन्होंने इतनी सी की थी कि ये घर से नहा के नहीं आए थे। बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि सुबह ठंड होने के वजह से इन्होंने स्नान नहीं किया था। आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूं दोस्तों कि ये किस तरीके से प्रिंसिपल साहब ने बच्चों के साथ टॉर्चर किया। चलो ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से इन बच्चों को जबरदस्ती प्रिंसिपल के द्वारा नहलाया जा रहा था। ये खबर है फरीदपुर के छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज की। अब मुझे तो समझ नहीं आया कि आखिर इतनी जबरदस्ती इन बच्चों के साथ क्यों की गई। आपको पढ़ाना है, आप पढ़ाई करवाओ, लेकिन क्या एक बच्चा अगर एक दिन नहा के नहीं आता है तो ये कहाँ का नियम है कि आप बच्चों को जबरदस्ती नहलाएंगे। हिंदुस्तान खबर ने लिखा है कि यदि बच्चे नहा कर नहीं आए थे तो उनके माता पिता को कॉलेज बुलाकर काउंसलिंग करनी चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह से नहला कर वीडियो वायरल करना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है। आज की जो दूसरी खबर है दोस्तों, वो मैं आपको एक वायरल वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो दरअसल बोधगया का है, जहाँ दो महिला सिपाही आपको ठुमके लगाती नजर आएंगी और ये ऑन ड्यूटी है। सबसे बड़ी बात ये है, आप देखिए पूरी वीडियो को। अब ये टिकटॉकर वाली महिला पुलिस के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।